श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय हो भोलेनाथ। दोस्तों, इससे पहली वीडियो में मैंने बताया था कि हमें किस प्रकार से पशुपति व्रत में सुबह की पूजा करनी है। अब मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ शाम की पूजा हमें कैसे करनी है। तो देखिए, जब हम सुबह की पूजा करके आ जाते हैं ना, और थाली को लाते हैं पूजा की को, और उसको हम ढक के रख देते हैं, और शाम के टाइम ये जो पूजन होता है, शाम का पूजन प्रदोष काल में होता है। प्रदोष काल जो होता है वो सूर्यास्त से 35-40 मिनट पहले और सूर्यास्त के 35-40 मिनट बाद तक रहता है। तो इस समय में हमें पूजन करना चाहिए। प्रदोष काल में भगवान शिव का पूजन करने का विशेष महत्व रहता है। तो यहाँ पर देखिए, भोग प्रसाद में आप यदि फलाहारी व्रत कर रहे हैं तो आप यहाँ पर कुट्टू का हलवा बना सकते हैं, कुट्टू के आटे का, सिंघाड़े के आटे का, मूंगफली का हलवा बना सकते हैं, साबूदाने की खीर, रबड़ी आदि, और मखाने की खीर, कुछ भी बना सकते हैं। लेकिन अगर आप अन्न खा लेते हैं इस व्रत में, तो आप सूजी का हलवा बना सकते हैं, गेहूं के आटे का, बेसन का हलवा बना सकते हैं, चावल की खीर, चूरमा, पंजीरी, जो भी आप चाहें वो बना सकते हैं। और इस तरीके से शाम की थाली लगा लेते हैं उसी थाली में जो हम सुबह लेके गए थे। तो यहाँ पर देखिए, तीन दोने रखे हैं मैंने, एक में हलवा भर लिया अच्छे से, जिसके हमें तीन पार्ट करने हैं। घर से हलवे को जितना हम हलवा सिर्फ उतना ही बनाएंगे जितना हम पूजा के लिए मंदिर में ले जाएं, एक्स्ट्रा और नहीं बनाएंगे, क्योंकि घर से इसके हिस्से नहीं किए जाते। और नीचे दो दोने और एक चम्मच रख ली है, बाकी वही बाबा के श्रृंगार की सामग्री है। साथ में रखे जाते हैं 6 दिए, देसी घी के और गोलबाती के दिए रखे जाते हैं, और जो भी सामग्री पूजन की होती है ना, वो सारी जो हम सुबह लेकर के गए थे वो, और यहाँ पर पंचामृत और जल, तांबे के लोटे में हमने जल रखा है, बाकी अपनी माचिस भी लेकर के जानी है, और 6 दिए और हलवे का प्रसाद हम यहाँ पर ले जा रहे हैं। आपको जो भी आपकी सुविधा हो, जैसा भी आप व्रत कर रहे हो, वैसा आप प्रसाद बना करके थाली में रख सकते हैं। थाली को ढक करके हम मंदिर में आ जाते हैं। तो देखिए, भगवान भोलेनाथ के अभिषेक, यानी कि देखिए, जब हम इस पूजन को करेंगे तो भगवान पशुपति नाथ का हम ध्यान करते हुए इस पूजन को करेंगे, मन में उन्हीं का ध्यान करेंगे, उन्हीं का हम मंत्र उच्चारण करते रहेंगे, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का हम जाप करेंगे। तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा यदि मैं संपूर्ण अभिषेक की विधि यहाँ पर आपको बताऊँगी। आपको डिटेल में वीडियो अभिषेक की, जो मैंने सुबह की मॉर्निंग पूजन की डाली है, उसमें पूरे विस्तार से आपको समझाया है कि किस प्रकार से हमें अभिषेक करना है। तो अभिषेक हमें दोनों टाइम करना है, अगर आप कर सकते हैं तो। एक टाइम तो अवश्य रूप से करना है अभिषेक और श्रृंगार। अगर देखिए, कहीं कहीं पर क्या होता है कि शिवलिंग का श्रृंगार हो जाता है, यानी कि शाम को श्रृंगार हो जाता है, तो वहाँ पर हमें अनुमति नहीं होती है कि हम अभिषेक कर सकें। तो ऐसे में आप क्या करें, आप जल के और पंचामृत के छींटे दे दें शिवलिंग पर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए, ये जल ज़रूर लेना चाहिए शिवलिंग से। घर ले जाते हैं हम इस जल को, कभी भी जो भी पात्र होता है जिसमें हम जल लाते हैं, उसे कभी भी घर पर खाली नहीं ले जाया जाता। तो शिवलिंग का किस प्रकार से अभिषेक करना है, तो अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो उसे ज़रूर देख लीजिए। उसमें मैंने डीपली समझाया है कि किस प्रकार से हमें शिवलिंग का अभिषेक करना है और उनका इस तरीके से श्रृंगार करना है, क्या क्या चीज़ें शिवलिंग पर अर्पित की जाती हैं, कि पूरी विधि डिटेल में समझाई गई है। यहाँ पर मैं शाम की विधि आपके साथ शेयर करी हूँ कि शाम को हमें कैसे पूजा करनी है। अभिषेक और श्रृंगार तो हमें सेम वही करना है जैसा हमने सुबह किया है। तो जहाँ पर अनुमति होती है वहाँ पर तो आप इसी प्रकार से श्रृंगार करें, अभिषेक करें। नहीं है अनुमति तो आप सिर्फ छींटा दे दें जल का और पंचामृत का, बाकी जो जल और पंचामृत बचता है तो आप उसे, जो अगर मंदिर में पीपल का कोई भी वृक्ष है, वहाँ पर आप चढ़ा दें। लेकिन लोटे के अंदर शिवलिंग का थोड़ा सा आपको जल अवश्य लेकर के आना है, जलाधारी में डालें थोड़ा सा और अपने लोटे में ले आएं। तो इस तरीके से देखिए, जो भी सामग्री आपके पास शाम के टाइम उपलब्ध है उसे आप चढ़ा दें। और कुछ सामग्री ऐसी होती हैं जो हमें सुबह की पूजा में मिल जाती हैं, नहीं मिलती हैं, अगर वो शाम तक हमें मिल जाती हैं तो शाम को भी आप अर्पित कर सकते हैं, व्यवस्था कर लीजिए। क्योंकि प्रदोष काल में शिव जी का अभिषेक करने का बहुत ज़्यादा महत्व रहता है, तो उतना ज़्यादा महत्व सुबह की पूजा का नहीं माना जाता है शिव जी के पूजा में, क्योंकि देखिए, प्रदोष का व्रत भी होता है, प्रदोष काल में ज़्यादा प्रभावकारी रहती हैं भगवान शिव की पूजा आराधना, शिवलिंग का अभिषेक और श्रृंगार। तो इस तरीके से हमने देखिए अभिषेक कराया, उसके बाद में श्रृंगार कर दिया है, भोग आदि हम नैवेद्य आदि अर्पित कर देंगे, पान के ऊपर हम लौंग इलायची सुपारी रख करके यहाँ पर अर्पित कर देंगे। और देखिए, जो और मूर्तियाँ होती हैं उनका भी हम पूजन करेंगे, गौरी मैया से हम सुहाग लेंगे, थोड़ा सा सिंदूर माथे पर लगा लेंगे। तो सेम इसी विधि से हमें शाम को भी पूजन करना होता है, और जो हम शाम को स्पेशल थाली लगा करके लाए हैं उसे हम देखिए मंदिर में इस प्रकार से बैठ जाते हैं, और जो हम 6 दिए लाए हैं उनको यहाँ पर बाबा के पास रख देंगे,
और दियो को हमें खाली नहीं रखना है। दियो के नीचे हमें कुछ या तो आप थोड़े से फूल डाल लें तोड़ करके, या फिर आप चाहे तो अक्षत यहाँ पे डाल सकते हैं। खाली दियो को नहीं रखना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि इससे क्या होता है कि जो हमारी पूजा का प्रभाव है ना, वो भूमि में चला जाता है। तो एक गलती हम अक्सर कर देते हैं कि देखिए छठा दिया गलती से जला देते हैं, तो थोड़ा सा उसे स्पेस करके रखें, लेकिन उसे हमें थाली से उतारना अवश्य है। ऐसा नहीं है कि उसे थाली में ही रखा रहने दें छठा दिया जो है। और यहाँ पर देखिए, दिए रखने के बाद में मैं सबसे पहले तीन पार्ट करूँगी। जो मैं हलवा लेके आई हूँ उसके तीन भाग किए जाएंगे यहाँ पर, बराबर बराबर हमें ये भाग करने होते हैं। घर से इनका हमें भाग करके नहीं लाना होता है, मंदिर में आ करके बाबा की शरण में बैठने के बाद ही हमें इसके तीन हिस्से करने होते हैं इस प्रकार से। तो यहाँ पर देखिए, ये गलती आप बिल्कुल ना करें, घर से इसे हिस्सों में बांटकर ना लाएं, बाबा के सामने बैठ कर ही इसको इसके हिस्से करें। अब जो बाबा को हम भोग प्रसाद अर्पित कर रहे हैं, जैसे कि दो को तो हम बाबा को अर्पित करेंगे और एक हिस्सा हमारा है, तो उसमें आप बिल्व पत्र अवश्य रखें। जो बेलपत्र का पत्ता होता है वो आप अवश्य रखें, बाबा को निवेदन करें, और अपना हिस्सा जो हमें प्रसाद के रूप में ग्रहण करना उसे भी यहाँ पर रखते हैं। कोई भी सिक्के के रूप में आप दक्षिणा ले गए हैं तो बाबा को इस प्रकार से अर्पित करने के बाद में वहीं साइड में रख दें, दान पात्र में बाद में आप डाल दें। तो इसके बाद में देखिए, बाबा से हम प्रार्थना करेंगे, और जब हम पहला दिया जलाएंगे तो अपनी मनोकामना बोलेंगे। जैसे जो भी आपकी मनोकामना हो वो आप प्रार्थना करें, बाबा से निवेदन करें कि हे पशुपतिनाथ बाबा, हमने आपकी कृपा से आपके ये व्रत रखे हैं, हमारी ये मनोकामना है, तो हमारे ये व्रत निर्विघ्न संपन्न करिए और हमारी ये मनोकामना पूर्ण कीजिए। बाबा, आपके अलावा हमारा इस संसार में और कोई नहीं है, हम आपके शरण में आए हैं और हमें इस प्रकार से हमारी ये मनोकामना आप पूर्ण कीजिए। तो देखिए, कहते हैं कि दुनिया में ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो पशुपतिनाथ व्रत से संभव ना हो सके, यदि हम पूरे श्रद्धा भाव से और पूरे मन से और पूरे नियमों का पालन करते हुए इस व्रत को करते हैं तो हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस पृथ्वी पर सबसे प्रभावकारी यही व्रत माना गया है, पशुपतिनाथ व्रत। बहुत ही दुर्लभ होते हैं वो व्यक्ति जो इस व्रत को करते हैं। तो अगर आपकी ऐसी कोई मनोकामना है जो पूर्ण नहीं हो पा रही है, तो आप एक बार पशुपतिनाथ भगवान का पूजन करके देखिए, उनके व्रत करके देखिए। पांच व्रत होते हैं सिर्फ, देखिए पांच व्रत पूर्ण भी नहीं हो पाएंगे और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। तो देखिए, यहाँ पर हमने भोग प्रसाद अर्पित कर दिया है बाबा को, और उसके बाद में हम कपूर से आरती करेंगे। इस प्रकार से आप आरती करें, आरती में आप भोलेनाथ की आरती कर सकते हैं। तो पूरे श्रद्धा से, मन से आप बाबा का पूजन करें, और इसी तरीके से आप शाम के टाइम पूजन करें। सुबह अभिषेक और श्रृंगार सुबह की तरह ही करना है, और शाम को बस प्रसाद और दिए, यहाँ पर जो दीपदान हम कर रहे हैं, और ध्यान से देखिए, मैंने जो छठा दिया है ना वो थोड़ा सा साइड में रखा है। इस तरीके से हम बाबा की आरती करेंगे, प्रार्थना करेंगे, और सभी को हम धूप दीप इस तरीके से दिखा देंगे। और यहाँ पर देखिए, हम ये जो छठा दिया है ये हम अपनी थाली में रख लेंगे, और एक हिस्सा हम बाबा से आशीर्वाद के स्वरूप में अपने पास में ये रख लेंगे। और इसमें हमने थोड़ा सा जल भी ले लिया है लोटे में, क्योंकि जो भी हम कलश लाते हैं ना घर से जल भर के, उसे कभी भी हमें खाली नहीं ले जाना चाहिए। इस तरीके से देखिए, हम बाबा को प्रणाम करेंगे और बाबा से निवेदन करेंगे, प्रार्थना करेंगे। तो बस इसी तरीके से हमें शाम को पूजा करनी होती है। और देखिए, आसन के नीचे आप थोड़ा सा जल डाल सकते हैं, इससे हमें हमारी पूजा का जल डाल करके माथे से लगा लें, इससे हमारी पूजा का संपूर्ण फल हमें मिलता है। अब जैसे ही हम अपने घर आते हैं, तो जो हमारा मेन गेट होता है उसके ऐसी जगह देखें जहाँ पर आप बैठ पाएँ, क्योंकि यहाँ पर हमें दीपदान करना होता है। जो हम छठा दिया लाए हैं ना, उसे हमें यहाँ पर जलाना होता है, तो बैठ करके ही जलाना चाहिए आपको। उखड़ू या फिर जैसे थोड़ा सा झुक करके, खड़े होकर के दिया नहीं जलाना है। तो जो हम जल ले कर आए हैं शिवलिंग से, उसे आप थोड़ा सा छिटक दें, घर के अंदर भी छिटक दें, और यहाँ पर थोड़ा सा छिटकने के बाद में आप चाहें तो स्वास्तिक भी बना सकते हैं, नहीं तो आप थोड़े से अक्षत पुष्प आदि अर्पित करके यहाँ पर दीप प्रज्वलित करें, और बाबा से प्रार्थना करें कि हे बाबा, आपके द्वार से मैं आपका प्रकाश लेकर के आया हूँ, इस प्रकाश को से हमारे घर को अलौकिक कर दीजिए, और हमारे जीवन में भी प्रकाश ही प्रकाश कर दीजिए, और हमारी ये मनोकामना आप पूर्ण कीजिए। तो ये दिया जलाते समय भी आप अपनी मनोकामना पशुपतिनाथ बाबा से अवश्य रूप से कहेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर दीपदान करें, दीपक का भी आप पूजन कर दें, यहाँ पर अक्षत रोली चंदन अर्पित कर दें दीपक को भी। तो प्रार्थना करें कि इस
चौखट से हमारे घर में खुशियां प्रवेश करें, बाबा का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर दीपक जलाना होता है। तो बाबा ज़रूर हमारी प्रार्थना स्वीकार करते हैं यदि हम इस प्रकार से पूजन करते हैं। तो ऐसे ही हमें शाम का पूजन करना होता है। इसके बाद में अपना दाहिना पैर यानी कि सीधा पैर हम सबसे पहले घर में रखते हुए घर में प्रवेश करेंगे और जो हम जल लेकर के आए हैं उसे सारे घर में हम छिटक देते हैं और सारे घर में और परिवार के सभी सदस्य उसे अपने माथे से आँखों से लगा सकते हैं। पीने के जल में एक दो बूंद आप डाल सकते हैं और इसी के साथ में आप देखिए जब आप भोजन ग्रहण करेंगे तो भोजन ग्रहण करने में जो आप प्रसाद लेकर के आएँ तो सर्वप्रथम आपको वही प्रसाद ग्रहण करना है। परिवार के अन्य किसी भी सदस्य को वो प्रसाद नहीं देना है। वो सिर्फ और सिर्फ जो व्रती है उसी के लिए होता है, उसे ही वो खाना होता है। उस भोग प्रसाद को खाने के बाद ही अन्य कुछ भोजन आदि लेना चाहिए। जैसे भी आपने व्रत रखने का संकल्प लिया हो तो बस इसी प्रकार से पशुपतिनाथ भगवान की शाम की पूजा होती है। तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, ज्ञानवर्धक लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। दोस्तों मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।